अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी हफ्सा खान एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हम बात करेंगे रेवलॉन एंड फार्मेसी के बारे में कि कैसा कलर है, ये ज़्यादा देर स्ट्रे करता है कि नहीं, कौन सा ज़्यादा देर स्ट्रे करता है। मैं रेवलॉन में 51 या 54 शेड यूज़ करती हूँ। जो भी मार्केट में मुझे ईजीली कलर मिल जाते हैं, कभी 54 नहीं होता, कभी 51 नहीं होता, तो जो भी मुझे कलर मिलता है वो मैं ले लेती हूँ। तो इसमें ये जी आ जाता है जी आपका रेवलॉन कलर, और ये आपको मिलता है जी 59 ml में, और इसके साथ आपको इसका डेवलपर मिलेगा 20 वॉल्यूम में। ये वाला ये डेवलपर है, और इनकी जो आपको ml मिलेंगे जी ये 59 ml में है, और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। काफ़ी पतली पतली होती है इसकी कंसिस्टेंसी, तो लगाने में काफ़ी ईजी होता है स्कैल्प में। तो ये इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है। और रेवलॉन के बारे में मैं ये बताती चलूँ कि रेवलॉन आपके बालों में ज़्यादा देर स्ट्रे करता है इंस्टेड ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी आपके बालों में ज़्यादा देर स्ट्रे नहीं करता, वो 3 से 4 दिन के बाद ही कलर फेड आउट होना शुरू हो जाता है। तो उसके मुकाबले में ये ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा लगा था रेवलॉन का। और मैं आपको अभी फार्मेसी की भी दिखाती हूँ डेमो कि उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो फार्मेसी आपको 100 ml में मिलता है, और रेवलॉन 850 का है, और ये फार्मेसी आपको मिलेगा 1450 का। अगर आप ओनली रूट टचअप करना चाहते हैं तो ये आपका 2 दफ़ा में इस्तेमाल हो सकता है आराम से। और इस ये जी ये डेवलपर है 20 वॉल्यूम में, और 100 ml इसकी क्वांटिटी है, और इस तरह से इसकी इसके साथ ट्यूब है। बॉटल फॉर्म में नहीं होगा, ये रेवलॉन में था कि वो बॉटल में था लिक्विड कलर में, और इसमें ट्यूब में है ये जी। इस तरह से ये ट्यूब में है, और हाफ़ मैं इस्तेमाल कर चुकी थी पहले, और ये हाफ़ अब मैं अब यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ रूट टचअप करना था। और ये इतनी मुश्किल से ये कलर निकलता है, इतनी मुश्किल से कलर निकलता है कि जब ये आप यूज़ करेंगे आपको फिर पता चलेगा। पहले तो मुझे लगा कि जिस तरह से ये ख़राब है, तो इसकी यानी कि कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से थी कि मुझे फील हुआ कि जैसे ये कलर ख़राब ख़राब सा, लेकिन नहीं, ये कलर ख़राब नहीं, ये दिखता ही है इस तरह से है। और ये जब इसका सब डेवलपर आप ये मिक्स करते हैं, और ये जब आप स्कैल्प पे अप्लाई करते हैं, तो बहुत मुश्किल से लगता है ये। आपके बालों पे भी इक्वल यानी कि नहीं आएगा कलर, और ब्रश के साथ अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत मुश्किल से ये अप्लाई होता है। मुझे बहुत टाइम लगा था इसको अप्लाई करने में। मुझे जो फार्मेसी है, लोग फार्मेसी का बहुत ज़्यादा जी हाई पे था कि फार्मेसी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे फार्मेसी बिल्कुल भी कहीं से भी अच्छा नहीं लगा। अगर ये प्राइसी है तो तब भी जी आपका ये 2 से 3 दिन बाद ही आपका जो अगर आपकी ग्रे कवरेज है वो फेड आउट होना शुरू हो जाती है। और दूसरा ये लगाने में आपके अप्लाई करने में बहुत मुश्किल है, तो मेरी तरफ़ से ये रिकमेंडेड नहीं है। जो लोग ये इसके बारे में लेने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मैं फार्मेसी किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी। इसके मुकाबले में रेवलॉन बहुत ज़बरदस्त है, आप रेवलॉन यूज़ कर सकते हैं, और वो स्टे भी इससे ज़्यादा देर करता है। होप सो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।